ये सब क्यों हुआ मानव? एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद भी हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आकर क्यों रुक गया? शायद भरोसे की कमी रह गई। मैंने कितनी कोशिश की अर्चना, तुम्हें ये यकीन दिलाने की कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। अर्चना, हर रिश्ता विश्वास के बिना पर टिका रहता है, उससे मजबूत होता है। शायद हमारे रिश्ते की यही डोर कमजोर रह गई। शायद आप सही कह रहे हैं मानव। कभी आपका विश्वास डगमगाया तो कभी मेरा। छोटा सा जख्म इतना बड़ा नासूर बन जाएगा, पता ही नहीं था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था अर्चना। तुम मेरी जिंदगी थी, तुम आज भी मेरी जिंदगी हो। पता नहीं तुम्हें खोने के बाद मैं कैसे रहूंगा, जी भी पाऊंगा कि नहीं। मेरी जिंदगी तो आप ही से शुरू होकर आप ही पर खत्म होती है मानव। कल तलाक के बाद तो जैसे जैसे मेरी जिंदगी ही रुक जाएगी। मौत आती नहीं, इसलिए जीना होगा, वरना नहीं अर्चना, हम अपने परिवार वालों के लिए तो जीना ही पड़ेगा ना। हमें अपना अतीत भूलकर अपने घर वालों के लिए जीना पड़ेगा अर्चना। मानव, क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? नहीं अर्चना, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। हमारा बढ़ाया हुआ है एक भी कदम हम एक दूसरे से दूर ही ले जाएगा। हम अब पास नहीं हो सकते। कितने बदनसीब है ना, पास होकर भी हम एक दूसरे से इतने दूर हैं। रिश्ते की इस हार को मैं क्या नाम दूं मानव? जिंदगी। शायद इसी को जिंदगी कहते होंगे अर्चना। अपना ख्याल रखना। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये तलाक होकर रहेगा।
सुनिए, आप ऊपर जाइए ना, मैं पानी भर के लेके आती हूँ। नहीं, 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 ये मेरा काम, मैं सालों से करता हूँ। अंदर आओ, कैसे आना हुआ आज? क्या हुआ वर्षा, कोई परेशानी? परेशानी तो एक ही है सतीश, इतने दिनों से हम जिस दिन को टालने की कोशिश कर रहे थे, आखिर वो दिन आ गया। कुछ ही देर में जीजू घर पर आएंगे और ताई को कोर्ट ले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ये सब रोकने का? नहीं वर्षा, अब कोई रास्ता नहीं। मैं खुद दो दिनों से सोच रहा हूँ कि कोई रास्ता निकले, कोई हल निकले, लेकिन जब मानव खुद अर्चना को लेने आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई कोशिश? वर्षा, अगर मेरे हाथ में होता तो फिर तुम्हें मुझसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। लेकिन अब मुझे भी मुश्किल लग रहा है वर्षा। मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, बप्पा पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते काकी। सतीश जी, आज तक आपने मेरे लिए और मेरी ताई और जीजू मिले उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। ये सब क्या था सतीश? वो लड़की क्या कह रही थी? तुम अर्चना और मानव को फिर से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो एक आदर्श पति पत्नी और मैं नहीं चाहता कि वो अलग हो। और साथ ही साथ तुम्हारा और वर्षा का रिश्ता जुड़ जाए, है ना? वो तो होकर रहेगा, चाहे मानव अर्चना एक हो या ना हो। मतलब देखना, हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदारों की प्रॉब्लम क्या है, यही ना कि अर्चना शादीशुदा है फिर भी वो अपने मायके में बैठी हुई है। तो ठीक है, अगले 3-4 घंटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? आज अर्चना डिवोर्स एक्सेप्ट करने जा रही है, मतलब कानूनी तरीके से मानव और अर्चना अलग हो जाएंगे। तो फिर हमारे रिश्तेदारों को तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो हमारे और वर्षा के रिश्ते को अपनाएंगे और तुम भी अपनाओगे, है ना? बस एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि मानव अर्चना के लिए जो भी मैंने किया है वो इंसानियत के नाते किया, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर वर्षा मेरी होनी है तो वो होगी।
अच्छा चल बेटा जल्दी से कुछ खा ले। वर्षा हाय आ जा जल्दी। आराम से खा लो बेटा, हमारे पास थोड़ा समय है और वैसे भी आज तुम्हें देर नहीं होगी, हम सब चल रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं आई, आप सब लोगों को चलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, आज हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो कब रहेंगे। लेकिन आई अर्चू, मैं जानती हूँ बेटा कि तू कमजोर नहीं है, हालातों का सामना कर सकती है, लेकिन जरा हमारे बारे में भी सोच। तू इस घर की बेटी है, आज तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ अर्चू, आई बिल्कुल ठीक कह रही है, आज हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ अर्चू बेटा, ना मत करना, हमें चलने दे। नहीं बाबा, आप लोगों को चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अर्चू, तू अकेली कैसे जाएगी? नहीं आई, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, वो मुझे कोई लेने आ रहा है। क्या? कौन? मैं देखती हूँ। सवा दस बज रहे, 11 बजे की सुनवाई, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। आई, वो पिछली बार मुझे कोर्ट पहुंचने में देरी हो गई थी, तो कुछ ना हो इसलिए मानव मुझे खुद लेने आए। मैं चलती हूँ। अर्चना ने मुझे बताया तक नहीं कि मानव उसे लेने आ रहा है। आओ, मैं क्या मिनटे, हमें भी कोर्ट जाना चाहिए। सुनिश्चित। अर्चना इस तरह मानव के साथ अकेले गई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर आज कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाने जा रही है, पता नहीं अर्चना ये सब कैसे सह पाएगी। हमारा उसके साथ होना बहुत जरूरी है, हमें जाना चाहिए। ठीक है सुनिश्चित, हम जाएंगे। किसी भी हालत में आज मैं कोर्ट में जाने वाली हूँ, किसी का कुछ सुनने वाली नहीं मैं। लेकिन तू क्या करेगी वहाँ आके, दादा और मैं जा रहे हैं ना। वहाँ कोर्ट में जाके उस मनहूस को मेरे मानव के जिंदगी से हमेशा के लिए दूर होते हुए मैं अपनी आँखों से देखूंगी, तब जाके तसल्ली होगी मुझे। लेकिन सविता। दादा आप मुझे मत रोकिए, अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी ना तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सोच सोच के दिमाग पागल सा हो जाता है, इसके लिए आप मुझे मत रोकिए, मैं आपके साथ आऊंगी। लेकिन श्रावणी का ख्याल कौन करेगा? इसमें सोचने जैसी बात क्या है, वंदु है ना श्रावणी की देखभाल करने के लिए, और कोर्ट में हम क्या पूरा दिन बैठने वाले हैं? 5-6 घंटे में काम हो जाएगा, तुरंत आ जाएंगे घर पे। सविता दामोदर, आने दो उसे। सविता चलो जल्दी। वंदु हम जाते हैं, आते आते खुशखबरी लेके आएंगे। सविता चलो, अब देर हो जाएगी। हाँ चलिए।
भैया एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हमें देर हो रही है, मुझे लगता है हमें कोर्ट जाना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, बस वो सामने मंदिर है वहां माथा टेक कर आ जाऊंगी। आज मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे हिम्मत देना बापा, जो हो रहा आपकी मर्जी से हो रहा है, और मैं जानती हूँ आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। फिर भी कभी कभी दिल बेचैन हो उठता है, सच्चाई का सामना करने से मन घबराता है। ऐसे पलों में मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहना। बापा आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, मुझे शक्ति देना कि जो मैंने जिम्मेदारी निभाने का वादा किया है उस पर मैं अटल रह सकूं और अपने परिवार का साथ दे सकूं। मेरी अपनी जिंदगी में खुशियां ना सही, कम से कम मैं उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकूं।